डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं और उनके मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं किसी पॉइंट ग्रुप की फॉर्मेशन के लिए। और ये भी देखा था कि पॉइंट ग्रुप एक कंप्लीट सेट होता है कुछ एलिमेंट्स का, जो कि सिमिट्री ऑपरेशंस होते हैं एक्चुअली। तो जो ये पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, इनको डिनोट करने के लिए हम कुछ सिम्बल्स यूज़ करते हैं और उन सिम्बल्स को हम बोलते हैं शोनफ्लाई सिम्बल। तो इन सिंबल्स को भी हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ पॉइंट ग्रुप्स और उन पॉइंट ग्रुप्स कौन कौन से मॉलिक्यूल में वो प्रेजेंट हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ग्रुप्स के क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पर हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट ग्रुप है बिल्कुल लो सिमेट्री का, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट ग्रुप है सी वन पॉइंट ग्रुप। अब ये सी वन पॉइंट ग्रुप में जो सिमेट्री ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं वो खाली ई, मतलब कि वहां पर कोई और सिमिट्री एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता सिवाय आइडेंटिटी के। तो ऐसा कोई पॉइंट ग्रुप, तो ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ना तो कोई सिग्मा हो, ना सी एन एक्सिस हो, ना एस एन एक्सिस हो, ना आई हो, खाली ई हो। तो ऐसा एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है, एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, कार्बन बीच में है, यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन इससे अटैच हैं। ठीक, तो ये सिर्फ एक ऐसा है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ई का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो मॉलिक्यूल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ, या हम यूं भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल को हम 360 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं। और ई जो होता है, ई एलिमेंट, वो सारे ही मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो वापस से हमें वो आइडेंटिटी ही मिलेगी, मतलब हमें इक्वल, जो आइडेंटिकल ओरिएंटेशन वहां मिल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ग्रुप, ठीक है, पॉइंट ग्रुप दे दिया कौन सा है, फिर हमें उसमें कौन कौन से सिमिट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से सिमिट्री ऑपरेशंस वहाँ पर पॉसिबल हैं वो पता होने चाहिए, उसका कुछ एग्जाम्पल, और फिर हम फाइनल देखेंगे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब ये ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप का ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ सिमिट्री ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन उसमें प्रेजेंट हैं बस हम उनको टोटल कर लेते हैं और फिर वो जो भी निकल के आती है डिजिट वो उसका ऑर्डर हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ई आइडेंटिटी और आइडेंटिटी में हम खाली सिर्फ एक ही बार रोटेट करते हैं 360 डिग्री पर, तो हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन हो जाएंगे नंबर वन, इसलिए सी वन ग्रुप का ऑर्डर भी वन हो जाएगा। अब नेक्स्ट ग्रुप इसमें आता है सी एस पॉइंट ग्रुप। सी एस पॉइंट ग्रुप में क्या होता है? सी एस पॉइंट ग्रुप में सिर्फ प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होती है। ई तो क्योंकि सब में है ही, तो इसलिए हम ई को यहाँ काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ई तो सभी में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट ग्रुप या ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ सिग्मा प्रेजेंट हो, वहां पर सी एस पॉइंट ग्रुप होगा। और सिग्मा क्योंकि एस से शुरू होता है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सी और यहाँ सफिक्स में जो है इसमें एस लिखा हुआ है, तो सी एस पॉइंट ग्रुप का मतलब वहां पर सिर्फ सिग्मा प्रेजेंट होगा और ई तो है ही, खैर सब में। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने ये मॉलिक्यूल लिया हुआ है, अब कैसे इसमें हम सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं, या हम यहाँ पर अगर ऑर्डर निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो फिर हमें सिर्फ इसमें सिग्मा अप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ सिमिट्री ऑपरेशन देखने हैं। तो देखिए, जब हम पहली बार हम इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखते हैं सिग्मा, इसमें पावर में वन लगा देते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा कौन सा है? मॉलिकुलर प्लेन जो है, क्योंकि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें और कोई सिग्मा प्रेजेंट नहीं, मतलब जैसे सिग्मा वी के बारे में हमने बात की थी या सिग्मा डी के बारे में बात की थी पहले वीडियोस में, तो ऐसा कोई सिग्मा यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूलर प्लेन है, यानी कि ये एक प्लानर मॉलिक्यूल है और जो भी प्लानर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक मॉलिक्यूलर प्लेन तो प्रेजेंट होता ही है, तो प्लेन ऑफ सिमिट्री हर प्लानर मॉलिक्यूल में होगी ही होगी। और ये कौन सी प्लेन होगा? जो हमारे इस पेपर प्लेन से जाएगा, यानी कि ये सारे एटम्स जो हैं कट हो जाएंगे, इस तरह से हम निकाल देंगे उस प्लेन को। ठीक है, तो अब जब हम पहली बार सिग्मा वन लगाया इसमें, तो क्या मैंने ये सारे जो भी एटम है वो अपनी ही जगह पर है, सिर्फ फेस चेंज हो गई है, जो मैंने इसमें लाइनिंग्स खींच दी हैं ऊपर हर एटम के ऊपर, इसका मतलब है कि फेस चेंज हो गई है। फेस से मतलब ये होता है कि टॉप जो है बॉटम फेस बन गई और बॉटम जो है वो टॉप फेस बन गया है। तो यहाँ पर जब भी हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो बस सिर्फ फेस चेंज होती है, एटम अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं। तो ये तो पहली बार सिग्मा अप्लाई किया, जब हम सेकेंड टाइम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो फिर से हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, तो अब क्या फिर से फेस चेंज हो गई, जो फेस बॉटम में पहुंच गई थी अब वो वापस से टॉप पे आ जाएगी। तो यानी हमें यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमें वापस मिल जाएगा, या हम कह सकते हैं कि
ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन हमें मॉलिक्यूल का वापस मिल गया। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये हम तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि हमें ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ना मिल जाए, या हम यूं कहें कि हमें आइडेंटिटी ना मिल जाए। देखिए, अगर हमें यहाँ से यहाँ मूव करूँ डायरेक्टली एक ही स्टेप में जाना हो, तो हम यही तो कहेंगे कि हमने इस मॉलिक्यूल में कुछ नहीं किया, क्योंकि ये एज इट इज़ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ सिंगल ऑपरेशन जो होगा वो सिर्फ आइडेंटिटी होगा, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमने मॉलिक्यूल को 360 डिग्री पर रोटेट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्मा टू था, सिग्मा टू की वैल्यू ई के बराबर हो गई। कैसे ई के बराबर हुई, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ भी है कि सिग्मा की अगर पावर में ऑड नंबर है तो उसका मतलब होता है सिग्मा, और सिग्मा की पावर में अगर इवन नंबर होता है तो वो होता है ई के बराबर। ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं वो ई के बराबर है, तो सिग्मा टू हमेशा ई के बराबर होगा। तो अब क्योंकि अब जब हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पर काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, ई के लिए हम हमेशा नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारा एक रहता है, वन, जैसे हमने पहले देखा भी था ई था तो नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर वन ही था। सिग्मा के लिए हमने यहाँ पर देखे कि हमने दो ऑपरेशंस अप्लाई किए, पहला सिग्मा वन था और दूसरा सिग्मा टू। तो अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिमिट्री ऑपरेशंस काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है थ्री, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अगर हम देखें तो टू निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो ये है कि हम यहाँ पर सिग्मा के दो ऑपरेशंस काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर सिग्मा का खाली एक ही ऑपरेशन काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि सिग्मा टू तो हमारा ई के बराबर है और ई ऑपरेशंस तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो जो ऑपरेशन हम पहले ही काउंट कर चुके हैं हम उसको दोबारा काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा, और जब मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि सिग्मा के लिए हम हमेशा नंबर ऑफ ऑपरेशन वन लिखते हैं। तो जब भी कभी कहीं पर भी सिग्मा हो, और वो सिग्मा कैसा भी हो, चाहे सिग्मा वी हो, सिग्मा एच हो, सिग्मा डी हो, आपको हमेशा नंबर ऑफ ऑपरेशन वहां पर वन लिखना है। तो हम यहां सिग्मा के लिए टू ऑपरेशन न लिख के हम यहां पर नंबर वन ऑपरेशन लिखेंगे। तो अब वन प्लस वन कर देंगे तो ये हो जाएगा टू, इसलिए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप यहां पर टू आया है। तो ये तो था सी एस पॉइंट ग्रुप। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप पे, दैट इज सी आई पॉइंट ग्रुप। अब सी आई, जैसे यहाँ पर आई बना हुआ है, यहाँ पर जो बना होता है जनरली वो सब एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो आई है, इसका मतलब इसमें आई एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो ई तो सब में होता है, इसमें है आई और प्रेजेंट है। अब इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल ले रखा है। इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन, इस कार्बन से एक क्लोरीन, एक फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, और यहां पर भी इस कार्बन से एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन है। अब देखिए, जब हम इसमें पहली बार आई अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिए, आई का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन पॉइंट, कि हम मॉलिक्यूल के किसी भी एटम से स्टार्ट करें और सेंटर की तरफ एक लाइन खींच दें। जैसे सपोज हमने इस एफ से स्टार्ट किया, एफ से हमने सेंटर की तरफ लाइन खींची, और इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें वो सेम एटम मिलना चाहिए जिस एटम से हमने लाइन शुरू की थी। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर यहाँ टॉप पर एफ है तो बॉटम पर भी एफ है, इसके बॉटम पर एच है तो यहाँ टॉप पर एच है, यहां प्लेन में नीचे की साइड सी एल है तो यहां प्लेन में ऊपर की साइड सी एल है। तो सेम एटम है, ऑपोजिट साइड्स पर सेम एटम होने चाहिए। तो ये टॉप पर अगर एफ है तो इसके बॉटम पर, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हो गई, ये दोनों ऑपोजिट हो गई और ये दोनों ऑपोजिट हो गई। अगर आप देखें इसको, मैं इससे दिखा सकती हूँ आपको, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, ऊपर प्लेन है, यानी ये देख रहे हैं आप, पहले वाले कार्बन पर जो है वो उल्टा वाई बन के आ रहा है और दूसरे वाले कार्बन पर सीधा वाई बन रहा है। अगर आप देखें, ये ऐसे एक उल्टा वाई है और ये सीधा वाई, तो पहले वाले कार्बन पर अगर मैं उल्टा वाई बना के चलूँ तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इस पर्पल बॉल को हम सी एल समझ लेते हैं, और ये भी एक सी, तो देखिए सेंटर यहाँ पर है इस मॉलिक्यूल का, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे और यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, तो एक सीधी लाइन खिंच जाएगी सेंटर से होती हुई जा रही, जिस एटम से हम शुरू कर रहे हैं सेंटर पर, सेंटर से अगर हम आगे की साइड बढ़ रहे हैं तो हमें सेम एटम मिल रहा है। ठीक ऐसे ही हम इस ऑरेंज बॉल के लिए भी समझ सकते हैं, अगर हम यहां से शुरू करें एक लाइन खींचना, तो ऊपर से अगर हम लाइन खींच रहे हैं तो वही लाइन नीचे जाकर सेम ऑरेंज बॉल पर मिल रही है। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ ग्रीन लाइन से, ग्रीन बॉल से लाइन खींचना शुरू करें सेंटर की तरफ, और इस लाइन को हम आगे तरफ बढ़ा दें तो वो ग्रीन से ही जाकर मिल जाएगी, तो सेम एटम मिल रहा है सेम लाइन पर, यानी कि ऑपोजिट साइड्स पर जो है वो हमारे सेम एटम प्रेजेंट है। तो यही बात हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा दी कि अगर एक साइड हमने दो कार्बन देखे, एक कार्बन पर जो बॉटम में प्रेजेंट है, बॉटम से मतलब है यहाँ पर बिलो द प्लेन जो प्रेजेंट है, वो इस वाले कार्बन पर एबव द प्लेन प्रेजेंट होना चाहिए,
जो इस पर बिलो द प्रेजेंट है वो यहाँ अबव द प्लेन होना चाहिए, और जो इसमें प्लेन में नीचे की साइड दिखाया हुआ है वो यहाँ प्लेन में ऊपर की साइड होना चाहिए, तो वहाँ पर आई प्रेजेंट होगा। तो जब हम पहली बार आई अप्लाई करेंगे, तो सपोज अगर ये F2 है और ये F1 है, तो ये दोनों अपनी पोजिशन को एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि F1 हमें यहाँ दिखाई देगा और F2 हमें यहाँ दिखाई देगा, तो हमने यहीं पर सिर्फ पोजिशन चेंज कर दी है। ऐसे H2 हमें यहाँ दिखाई देगा और H1 हमें यहाँ दिखाई देगा, CL1 हमें यहाँ दिखेगा और CL2 हमें यहाँ, तो मैंने ये नंबर यहाँ पर चेंज करके लिख दिए। जब हम सेकेंड टाइम आई आई अप्लाई करेंगे, तो वो I2 हमने इसको लिख दिया, तो अब क्या होगा, वापस से जो पोजीशन अब इन्होंने एक्सचेंज की थी, वापस से ओरिजिनल ये अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, CL2 वापस अपनी जगह पे आएगा, CL1 भी अपनी जगह पे आएगा, ये दोनों FB वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे, और ये दोनों HB, तो हमें ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाऊँ, तो फिर से हमें आइडेंटिटी मिल रही है। तो हमने ऑपरेशन कब तक अप्लाई किया, जब तक कि हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल नहीं मिल गया, ठीक है। तो हमने, और ये सिंगल ऑपरेशन हमारा I2 जो है वो इसीलिए E के बराबर होता है, तो I को अगर हम दो बार अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक E के बराबर हुआ, तो इसलिए हम I के, हम यहाँ देखने में लग रहे हैं हमें दो ऑपरेशंस हैं, I1 और I2, लेकिन क्योंकि I2 जो होता है वो E के इक्वल होता है, तो इसलिए, और E को तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसका हमारा एक ऑपरेशन हो जाएगा और I का भी यहाँ पर एक ही ऑपरेशन होगा, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और इसीलिए इस CI पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर भी यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हम, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑपरेशन हम पहले काउंट कर चुके हैं वो ऑपरेशन बस हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे, तो इस हिसाब से इनके ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जो है निकल के आ जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप आता है CN पॉइंट ग्रुप। अब CN पॉइंट ग्रुप में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ CN ही है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ CN प्रेजेंट होगी, E के अलावा CN प्रेजेंट, और उसका एग्जाम्पल जो है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हाइड्रोजन परऑक्साइड के भी वैसे तीन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, एक हमारी हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है सिस सिस फॉर्म, ठीक है, दूसरी हमारी होती है ट्रांसफॉर्म, और तीसरा हमारा ये स्ट्रक्चर है ओपन बुक स्ट्रक्चर, हम इसको बोल देते हैं। तो ओपन बुक स्ट्रक्चर में सिर्फ C2 प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, देखिए अगर मैं ओपन बुक, कैसे होती है, जैसे सपोज आप, मैंने जो ये पेपर लिया, सपोज आप इसे ओपन बुक समझ लीजिए, ये एक पेज इधर से खुला हुआ है और ये ऐसे, बुक जो होती हमारी ऐसे बंद थी और मैंने इसको खोल दिया, तो ये ओपन बुक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, मैंने इसको ऐसे एज इट इज आपके सामने ऐसे रख दिया, ठीक। अब इसमें C2 कहाँ से जा रही है, C2 जा रही है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, ये वाली C2 यानी पेपर के प्लेन से नीचे की साइड ये जा रही है। तो अब अगर मैं इसके अराउंड इसको रोटेट करूंगी, देखिए इसके अराउंड, तो हमें फिर से सिमिलर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो बुक है ये ऐसे के ऐसे ही रहेगी, और ये जो है इस तरह से अगर मैं घुमाऊँ तो हमें सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ मिल रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर ये C2 मैंने बताया था कि सिर्फ 180 डिग्री का रोटेशन होता है, तो ये जैसे ये दोनों ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से 180 डिग्री पर ही तो प्रेजेंट है, तो अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से, तो ये 180 डिग्री का रोटेशन हो गया और हमें सिमिलर जो है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मिल जाएगा। बस क्या होगा, एच एच अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे, जैसे अगर C2 यहाँ से जा रही है इसमें बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से, यहाँ से जो मैंने अभी आपको दिखाया भी, तो ये H1 यहाँ पहुँच जाएगा और H2 यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ दिखा दिया, फिर ये तो हमारा पहला ऑपरेशन था C2 का। जब हम C2 का दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो C2 और ऊपर भी हम 2 लिख देंगे। पावर में जो हम लिखते हैं वो हमेशा ऑपरेशन का नंबर लिख देते हैं, कि पहली बार अप्लाई किया फिर दूसरी बार, और हमें तब तक अप्लाई करना है जब तक हमें ओरिजिनल पोजिशन ना मिल जाए या ओरिजिनल कन्फिग्रेशन ना मिल जाए मॉलिक्यूल का। जब हम दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो फिर से H1 यहाँ पहुँच जाएगा और H2, यानी कि हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां से यहां डायरेक्ट चली जाऊं, तो ये फिर से आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए जो C22 है वो हमारी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि जो CNN होती है वो हमेशा E के इक्वल होती है, यानी यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर अगर ऊपर भी लिखा हुआ है तो वो हमेशा E के इक्वल होगा, तो आप उस ऑपरेशन को काउंट नहीं करेंगे। तो देखने में यहाँ पर लग रहा है कि C2 के दो ऑपरेशन है, लेकिन क्योंकि ये तो E के इक्वल है और E तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और E का ऑपरेशन हम ऑलरेडी काउंट भी करेंगे, तो यहाँ पर CN के लिए जो हम ऑपरेशन लिखते हैं, एक्चुअल में जो CN के लिए ऑपरेशन लिखे जाते हैं, दैट इज होते हैं N-1 ऑपरेशन। तो जब भी कभी CN एक्सिस होगी, आपको ध्यान रखना है वहां पर हमेशा N-1 ऑपरेशन होंगे। सिग्मा के लिए हमेशा 1 ऑपरेशन, I के लिए हमेशा 1 ऑपरेशन, E के लिए हमेशा 1 ऑपरेशन, और CN के लिए हमेशा N-1 ऑपरेशन, और वो हमको देख के लग भी रहा है।
यहाँ पर n का नंबर हमने 2 लिखा है, तो C2 के लिए हमने सिर्फ एक ऑपरेशन देखा भी है, तो अगर मैं यहाँ n का नंबर 2 लिख दूँ और ये -1, तो हमारे पास 1 ऑपरेशन ही निकल के आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जब नंबर ऑफ ऑपरेशन काउंट करेंगे तो E का नंबर 1 ऑपरेशन और Cn के लिए हम लिखेंगे n-1 ऑपरेशन। तो क्योंकि हमारा C2 है यहाँ पर, तो हमने इसका भी 1 ऑपरेशन लिखा और कुल मिलाकर हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए 2। इसलिए इस ऑर्डर का, जो इस ग्रुप का ऑर्डर हो गया, दैट इज 2। तो ये पॉइंट ग्रुप कौन सा हो गया? C2 पॉइंट ग्रुप, यानी जो भी CN प्रेजेंट होगी बस वही उसका पॉइंट ग्रुप बन जाएगा। तो ये हो जाता है C2 पॉइंट ग्रुप का एग्जाम्पल। ऐसे ही हम देखें, एक PBH3 मॉलिक्यूल होता है, इसमें पॉइंट ग्रुप होता है C3। कैसे? फॉस्फोरस हमने ये ले रखा है, फॉस्फोरस से 3 फिनाइल रिंग जुड़ी हुई हैं। अब फिनाइल रिंग, वैसे तो बेंजीन रिंग एकदम प्लानर स्ट्रक्चर होती है, तो अगर ये प्लानर होती तो यहाँ पर एक सिग्मा भी प्रेजेंट होता और C3 भी तो प्रेजेंट होती ही होती, वो तो है यहाँ पर। लेकिन एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल जो है, जो बेंजीन का मॉलिक्यूल या फिनाइल रिंग है, ये प्लानर ना होकर थोड़ी सी टिल्टेड है। मतलब ये बेंजीन रिंग जो मैंने जैसे सपोज यहाँ बना रखी है, वो ऐसे ना होकर थोड़ी सी ऐसे, इसीलिए मैंने इसका ये पोर्शन जो है थोड़ा सा इसको अबव द प्लेन दिखाया हुआ है। ये वाला हर बेंजीन रिंग का हाफ पोर्शन जो है वो अबव द प्लेन है, तो क्योंकि वो थोड़ी ऐसे प्लेन में ना होकर थोड़ी सी टिल्टेड है, और क्योंकि वो थोड़ी सी टिल्टेड है इसीलिए वहां पर जो है एक मॉलिकुलर प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर सिर्फ C3 है, और C3 कैसे है? देखिए, वो C3 कौन सी है? वो ये वाली C3 है जो पेपर के प्लेन से और फॉस्फोरस से होती हुई नीचे की साइड जा रही है, ऊपर से नीचे की साइड जा रही है इस तरीके से। और अगर मैं बहुत ही पतली सी चीज से दिखाऊं तो ये इस तरह से आप सोच सकते हैं इसको, ठीक है? तो अब अगर ये C3 है तो इसके अराउंड मुझे घुमाना है, और इसके अराउंड क्योंकि आप देखने में भी लग रहा है कि ये तीनों बेंजीन रिंग एक दूसरे से 120 डिग्री पर प्रेजेंट है, और C3 हमेशा वहां पर प्रेजेंट होती है। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर एक ट्राइंगल बन के आ रहा है मॉलिक्यूल में, कोई प्लानर स्ट्रक्चर, जो प्लानर स्ट्रक्चर है, मतलब प्लानर कह सकते हैं, या मतलब एक ट्रायंगल बन के आ जाए वहां पर, तो अगर ट्रायंगल बन के आ रहा है तो वहां पर C3 100% प्रेजेंट ही होगी। अब C3 कैसे? जब मैं पहला ऑपरेशन करेंगे, पहला ऑपरेशन क्या हो जाएगा C3 का? C3 1, उसको हम C3 1 लिखेंगे, ठीक है? तो पहले ऑपरेशन में नंबर वन, सपोज अगर मैं इसको नंबर वन दे दूं, ये नंबर टू और ये नंबर थ्री, तो वन रिंग जो है, अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ और इस वाली एक्सिस के अराउंड घुमा रही, तो इस वाले एक्सिस के अराउंड हमारी ऐसी तो रोटेशन होगी, तो ये वाली रोटेशन मैं कर रही हूँ इसमें, तो क्लॉकवाइज अगर घुमाऊंगी तो वन रिंग यहाँ पहुंचेगी, टू यहाँ पहुंचेगी और थ्री यहाँ पहुंचेगी। तो ये तो हो गया C3 1 ऑपरेशन। फिर मैं जब C3 2 ऑपरेशन करूंगी, तो क्योंकि वन हमारी यहाँ पहुंच चुकी है, तो अब ये C3 2 में क्या हो जाएगा? ये वन वाली यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है? बाकी भी उसी हिसाब से घूम जाएंगी। फिर मैं कराऊंगी C3 3, तो C3 3 में क्या होगा? जो ये वन वाली रिंग यहाँ आ गई थी, अब ये वन वाली रिंग अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर पहुंच जाएगी, तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी, या हम कह सकते हैं आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो हमें कुल मिलाकर 3 ऑपरेशन कराने पड़ेंगे, तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब यहां पर फिर से हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट कर रहे हैं, क्योंकि CN पॉइंट ग्रुप है तो उसमें CN एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए, तो यहां पर C3 प्रेजेंट है। तो अगर हम C3 के लिए एलिमेंट लिखेंगे या सिमेट्री ऑपरेशंस लिखेंगे, पहले हमने एलिमेंट लिख लिए, E प्रेजेंट है और C3 प्रेजेंट है, फिर हम इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑर्डर निकालना है। तो E के लिए होता है नंबर 1, और N के लिए, सॉरी, C3 के लिए हमने अभी देखा था कि CN एक्सिस के लिए होते हैं N-1 ऑपरेशन। तो N-1 का मतलब N का नंबर हमें रखना है, N का नंबर यहाँ पर 3 है, तो 3-1 इज इक्वल टू 2 ऑपरेशन, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 ऑपरेशन, और 2+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो जाएगा 3। तो यहां पर देखने में आपको लगेगा C3 के 3 ऑपरेशन थे। कौन कौन से ऑपरेशन थे? C3 1, C3 2 और C3 3। लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑपरेशन है C3 3, क्योंकि ये आइडेंटिटी के बराबर है, अभी अभी मैंने बताया था CNN हमेशा E के इक्वल होता है, तो ऊपर और नीचे वाला नंबर अगर सिमिलर है तो वो हमेशा E के इक्वल है, और E हम ऑलरेडी काउंट कर चुके होते हैं, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं। इसलिए यहां पर हम हमेशा N-1 ऑपरेशन लिखेंगे CN एक्सिस के लिए। तो क्योंकि यहां पर C3 थी, इसलिए यहां पर 3-1 हो गया, 2 ऑपरेशन यहां पर हो जाते हैं, ठीक? तो इस तरह से CN पॉइंट ग्रुप अगर होगा तो उसमें ऑर्डर निकल के आते हैं हमेशा N। आप इस तरह से इसको याद रखिएगा, CN में जो भी यहां पर नंबर होता है बस उतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकल के आते हैं। देख लीजिए, चाहे यहां पर भी CN में N का नंबर था 2, तो ऑर्डर भी यहां पर 2 निकल के आया, CN में N का नंबर था 3, तो ऑर्डर भी यहां पर 3 ही निकल के आया। ऐसे ही आप C4 आगे करके कुछ भी देख सकते हैं।
अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप आता है सी एन वी पॉइंट ग्रुप। तो जैसा कि यहाँ पर इसके सिंबल से ही हमें पता, ये शोन फ्लाई सिंबल होते हैं, तो ये सिंबल से हमें मालूम पड़ रहा है कि एक तो सी एन प्रेजेंट, ई तो प्रेजेंट होगा ही होगा, आइडेंटिटी तो सब में प्रेजेंट होती है, सी एन प्रेजेंट होगी और इसमें एक वी, वी से हम यहाँ पर सिग्मा वी को हम मान सकते हैं, तो सिग्मा वी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इसके जो सिमिट्री एलिमेंट्स हैं वो हो जाएंगे ई सी एन और एन सिग्मा वी, और सिमिट्री ऑपरेशंस अभी हम देखेंगे इसमें जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया, जब मैंने आपको सिग्मा वी के बारे में पढ़ा था, यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई एक वर्टिकल प्लेन वहां दिख जाए, सी एन अगर प्रेजेंट है और सी एन के बाद अगर आपको कोई एक वर्टिकल प्लेन दिख जाए, तो जितने भी एन का नंबर होता है उतने ही वर्टिकल प्लेन वहां प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यहां पर सी एन करके एन सिग्मा वी हमने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, हम इसका बहुत ही बेसिक सा मॉलिक्यूल हमारा सी टू वी, एग्जाम्पल इसका वाटर होता है, तो सी टू वी पॉइंट ग्रुप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, और ये वाटर में प्रेजेंट होता है, और वाटर हमारा एकदम बेसिक सा मॉलिक्यूल है, तो इसमें अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सी टू में हम, अब हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट हो जाएगा, एक तो ई प्रेजेंट होगा, और क्योंकि एन का नंबर टू है तो इसलिए सी टू प्रेजेंट होगी, और टू है तो इसलिए यहाँ पर टू सिग्मा वी भी प्रेजेंट होंगे। और अगर हम इनके नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखें, तो ई के लिए तो हम नंबर वन लिखते हैं, सी टू के लिए अभी हमने देखा था नंबर वन ऑपरेशन होगा क्योंकि एन माइनस वन ऑपरेशन होते हैं, और सिग्मा के लिए तो मैंने आपको बताया हमेशा ही एक ऑपरेशन होगा क्योंकि यहाँ पर दो सिग्मा वी प्रेजेंट है, तो हर एक के लिए एक एक ऑपरेशन, तो टोटल नंबर ऑफ हो गए टू ऑपरेशन, तो टू प्लस वन इज इक्वल टू ऑर्डर हो जाएगा इसका फोर। अब एक बार हम देख लेते हैं कि एच टू ओ में ये कैसे कैसे प्रेजेंट है। देखिए, हमारे पास था ये वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक, वाटर के मॉलिक्यूल में हम ये कह रहे हैं कि एक तो इसमें सी टू प्रेजेंट है और दो सिग्मा वी प्रेजेंट है, ये हालांकि मैं पहले समझा चुकी हूँ आपको, पर फिर से एक बार देख लीजिए, तो वो जो सी टू प्रेजेंट है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, सी टू का मतलब है हम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, तो ये हमारी सी टू है, और सी टू के इसके अराउंड हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, हम कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, तो सी टू के अराउंड हमने ऐसे पकड़ा मॉलिक्यूल को और ऐसे रोटेट कर दिया, तो हमें जो है इक्वलेंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मिल जाता है। इक्वलेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम सी टू में इसको रोटेट कराते हैं तो फेस जो है वो चेंज हो जाती है, ये टॉप फेस थी और नीचे वाली बॉटम फेस थी, जैसे ही मैंने इसको रोटेट कराया बॉटम वाली टॉप पर आ गई, टॉप वाली बॉटम पर, तो हमें तो सिर्फ इक्वलेंट ओरिएंटेशन से मतलब है, नंबर ऑफ ऑपरेशन जब हम काउंट करेंगे तब हम देखते हैं इसमें पूरा का पूरा कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, जब तक कि हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ना मिल जाए, तो सिर्फ प्रेजेंस के लिए हम देखते हैं इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। ये सब कुछ मैं डिटेल में अपने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखेगा। देखिए, जब भी अगर आप ये पॉइंट ग्रुप डायरेक्टली देखने आ गए हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो पहले आप सिमिट्री एलिमेंट, सिमिट्री ऑपरेशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब मैंने डिटेल में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सी टू प्रेजेंट है और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक दो सिग्मा वी प्रेजेंट है, तो दो सिग्मा वी कैसे हैं वो, एक तो, और सिग्मा वी मैंने आपको बताया था कि वो क्या होते हैं, हमेशा सी टू जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके बिल्कुल पैरेलल होते हैं, यानी उसको कट करते हुए जाएंगे, जैसे हमारी सी टू मैंने नीचे रखी हुई है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो एक सी सिग्मा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कट करेगा और इन दोनों हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर अगर एक सपोज आप मिरर समझ लीजिए, तो ये दोनों एच तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन कट हो जाएगा, और दूसरा सिग्मा वी कैसा है, दूसरा सिग्मा वी एक मॉलिक्यूलर प्लेन है, यानी कि वो भी इसके पैरेलल है, सी टू एक्सिस के पैरेलल ही है, इस तरीके से जा रहा है, यानी कि सारे एटम्स को कट करता हुआ जा रहा है, तो इस तरह इसमें दो सिग्मा वी प्रेजेंट होते हैं, और फिर नंबर ऑफ ऑपरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं सी थ्री वी का। अब अगर सी थ्री वी है तो ई तो इसमें प्रेजेंट होगा ही, सी एन की जगह हम क्या लिखेंगे, जो भी यहां पर एन का नंबर है तो सी थ्री प्रेजेंट होगी, और क्योंकि यहां पर सी थ्री है इसलिए यहां पर थ्री सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक भी सिग्मा सी एन जितने होते हैं उतने ही एन सिग्मा वी, मतलब जो भी यहां नंबर होता है उतना ही नंबर वहां पर सिग्मा वी का भी होता है, तो इसका एग्जाम्पल है NH3। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन अगर हम काउंट करें तो E के लिए नंबर वन, C3 है तो इसका मतलब सी एन एक्सिस के लिए N माइनस वन ऑपरेशन, तो N का नंबर यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएंगे दो ऑपरेशन, वो ऑपरेशन कौन से होंगे, C3 1 और C3 2। फिर आ जाएंगे 3 सिग्मा वी, अब क्योंकि एक सिग्मा के लिए एक तो 3 सिग्मा वी के लिए 3 ऑपरेशन, तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 6 ऑपरेशन। तो इनको ऑब्जर्व करने के बाद हम कह सकते हैं कि सी एन वी पॉइंट ग्रुप में ऑर्डर होता है 2n। अब हम यहां लगा के भी देख सकते हैं, यहां पे हमने n का नंबर रखा 2,
तो टू एन होता है, टू की जगह एन की जगह अगर हम टू रखेंगे तो टू टू जा फोर, तो इसलिए ऑर्डर निकल के आया फोर। यहाँ पर एन का नंबर हमने लिखा थ्री, तो थ्री को अगर हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स, तो ऑर्डर निकल के आ गया सिक्स। ठीक है, तो सी एन वी में आप ध्यान रखिएगा ऑर्डर का नंबर ऑर्डर होता है टू एन, मतलब आपको ये सब कुछ कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी यहाँ पर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं अगर आप ये याद करें तो। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो यहाँ यहाँ देखा एन एच थ्री में वो सब प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक, तो फिर से हम ये अपना मॉलिक्यूल देखा, ये हमारा एन एच थ्री मॉलिक्यूल है। देखिए यहाँ पर ये जो पिरामिडल शेप में होता है ये एन एटम है, ये तीनों जो है हाइड्रोजन है, एन थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है इसलिए थोड़ा पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसमें सी थ्री कैसे, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल कहीं पर आपको ट्रायंगल बनता दिखाई दे तो वहां पर सी थ्री प्रेजेंट होती है और यहां पर ये ट्रायंगल बन के भी आ रहा है, ये और ये दोनों, ये यहाँ पर इस तरह से हम दिखा सकते हैं एन को, हम एन एच थ्री को जब हम पेपर पे दिखाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं जब हम ग्रुप थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन एन एच थ्री हम इस तरह से दिखाते हैं, अदरवाइज तो हम नाइट्रोजन का जो एन एच थ्री का जो बनाते हैं वो एक प्लेन में है, फिर एक ये अबव द प्लेन होता है और एक ये इस तरह से एच दिखाते हैं और यहाँ पर हम दिखा देते हैं लोन पेयर, लेकिन जब हम ग्रुप थ्योरी में दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाते हैं एन एच थ्री को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन एच थ्री, तो ये नीचे क्योंकि हमारा ट्राइंगल बनी रहा है और हमारी एक्सिस हो जाएगी ये वाली जो इस नाइट्रोजन से होती हुई जा रही है पेपर के प्लेन से नीचे की साइड जा रही है, तो अगर मैं इसको 120 डिग्री पर घुमाऊं तो हमारी सी थ्री एक्सिस बन जाएगी। ऑर्डर मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, तो इसलिए यहाँ पर सी थ्री यानी ऑर्डर जो है थ्री नंबर जो होता है वो यहाँ पर ऑर्डर निकल के आया किसका, हमारे सी का, यानी कि जो हमारी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी। तो अगर मैं इसको 120 डिग्री पर घुमाऊंगी तो ये वाला तो ये यहाँ पहुंच जाएगा हाइड्रोजन, ये यहाँ पहुंचेगा और ये यहाँ पहुंचेगा, देखिए इस तरीके से, तो हमें एक इक्वलेंट ओरिएंटेशन मिल जाएगा। तो ये मैंने सी थ्री वन किया पहली बार घुमाया, ठीक है, फिर जब मैं दूसरी बार घुमाऊंगी फिर से हमें मिल जाएगा, तो ये मैंने सी थ्री टू किया, फिर जब मैं तीसरी बार घुमाऊंगी तो हमें ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन यहां पर मिले, अभी तक हमें इक्वलेंट मिल रहे थे हमें फिर ओरिजिनल मिल जाएगा। कैसे, देखिए अगर मैं नंबर से दिखाऊं एच वन ये एच टू और ये एच थ्री है, पहली बार घुमाने पर एच वन यहां पहुंचेगा, सेकेंड टाइम घुमाने पर यहां पहुंचेगा एच वन, और थर्ड टाइम घुमाने पर हमारा यहां पर एच वन पहुंच जाएगा, तो यहां पर नंबर ऑफ ऑपरेशन यहां पर टू आ जाएंगे। अब सिग्मा बी कैसे है, ये हमारी थी प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हमारा सिग्मा वी होता है। कैसे, अगर वो जैसे सपोज मैंने ये ऐसे रखा हुआ था, पहला सिग्मा वी हो जाएगा ये जो इस नाइट्रोजन को और इस हाइड्रोजन को कट करेगा और इन दोनों हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा होगा ऐसे जो कि अब क्या करेगा इन दोनों हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा और इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन को कट करेगा, और तीसरा ये वाला जो इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन को कट करेगा और इन दोनों हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से यहां पर तीन सिग्मा वी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये था सी एन वी के बारे में। ठीक, अब हम आते हैं सी एन एच, हमारा पॉइंट ग्रुप, तो सी एन एच में क्या हो जाएगा, यहां पर क्योंकि एच है तो यहां हमें मेन जो हमें देखना है ई देखना है, सी एन देखना है और सिग्मा एच, बाकी ये हमें सिर्फ याद ही करने हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन सी एन एच में मतलब अगर आपको सी एन और सिग्मा एच दिख जाए तो इसका मतलब उसका पॉइंट ग्रुप सी एन एच हो जाएगा, फिर तो आपको सिर्फ सिमेट्री एलिमेंट और उसके ऑपरेशंस याद करने रह जाते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं वो ई होता है, सी एन होता है, सिग्मा एच होता है, एस एन भी होता है और आई भी होता है, लेकिन आई कब होगा, I is present only when n is equal to even. n का नंबर जब even होगा तब I present होगा, n का नंबर अगर odd हुआ तो I present नहीं होगा। तो सबसे पहला example हम देख लेते हैं C2H का। अब C2H है तो इसमें E, फिर C2, फिर सिग्मा एच, फिर n की जगह हमने 2 लिखा है तो S2 और I। अब E का ऑपरेशन 1 हो गया, C2 का भी 1 हो गया, सिग्मा एच का भी 1 हो गया और S2 और I। देखिए S2 जो होती है वो I के इक्वल होती है, तो या तो आप यहां पर S2 लिखिएगा या यहां पर I लिखिएगा और दोनों के लिए ही नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 होते हैं, तो हम इसको S2 प्लस I ना लिख के S2 इज इक्वल टू I लिख दे रहे हैं। या तो आप I लिखिए या आप S2 लिखिए, क्योंकि S2 जो होता है वो I के बराबर होता है। कैसे होता है वो भी मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी। अब हम इसका ऑर्डर काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 ऑर्डर हो जाएगा यहां पर 4। एग्जाम्पल है इसका ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो इथाइलिन। अब देखिए यहां पर हमने ई तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ही सभी में। सी टू कैसे है, सी टू हमारी फिर से ऐसे ही जा रही है, जब मैं इसको घुमाऊंगी 180 डिग्री पर तो 180 डिग्री पर घुमाने पर ये सी एल जो है यहां पहुंच जाएगा और ये सी एल यहां, ये एच यहां और ये एच यहां, तो इस तरह से ये यहां पर पहुंच सकता है। देखिए कैसे,
ये हमारा ये मॉलिक्यूल है, ये सी एल है, ये सी एल है, ये एच, ये एच, 180 डिग्री पर घुमाना है। तो 180 डिग्री पर घुमाने का क्या मतलब हुआ कि ये कार्बन इस कार्बन की जगह और ये कार्बन इस कार्बन की जगह आ जाए। तो ये इस तरह से घुमाया, घुमा दिया 180 डिग्री, ये देखिए। और कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग घुमाया, ये वाली एक्सिस के, ये एक्सिस ऐसे खड़ी हुई है और मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो सी टू तो प्रेजेंट है यहाँ पर, फिर सिग्मा एच प्रेजेंट। सिग्मा एच कैसे प्रेजेंट है, सिग्मा एच क्या होता है, सिग्मा एच होता है जो भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है। तो सिग्मा एस हमारी ऐसे है तो परपेंडिकुलर, सिग्मा एस कह रही हूँ सॉरी, सी टू अगर हमारी ऐसे है तो परपेंडिकुलर जो प्लेन हो गया वो कुछ इस तरह से है। तो ये क्या करेगा, ये प्लेन सारे एटम्स को कट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एच इसमें प्रेजेंट है। एस टू क्या होता है, देखिए एस टू मैंने आपको बताया था, एस हमारा जो होता है वो होता है सी और सिग्मा से मिलकर, दो सिमेट्री एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि ये S2 है तो इसलिए ये भी C2 हो जाएगा, तो ये C2 सिग्मा है। तो आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर, अभी मैंने आपको C2 सिग्मा का क्या मतलब हुआ कि पहले अगर हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा को पहले अप्लाई करें और फिर हम C2 को अप्लाई करें। तो देखिए जब हम सिग्मा को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऐसे कट हो जाएगा, सिर्फ पोजीशन कहीं कोई चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ मॉलिक्यूल जो 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 भी एटम्स हैं वो सिर्फ कट हो रहे हैं, अपनी ही पोजीशन पर है। तो अगर ये Cl1 है और ये Cl2 है तो ये अपनी ही पोजिशन पर है। फिर हम लगाएंगे C2, C2 लगाने पर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा। तो यानी ये दोनों Cl अपनी पोजिशन को एक्सचेंज करेंगे, अगर मेरा Cl1 पहले था तो वो अब यहाँ पहुँच जाएगा और Cl2 जो है यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही H1 भी अपनी और H2 भी अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल में आपको समझाऊँ, सपोज ये हमारा C डबल बॉन्ड C था, ये H, ये H, यहाँ पर Cl और ये भी Cl, ठीक है। और फिर मैंने इनको नंबर दे दिया, सपोज ये हमारा 1 नंबर एटम है, ये 2 है, ये भी 1 है और ये 2 है। तो पहली बार सिग्मा लगाया तो मॉलिक्यूल ने अपनी कोई पोजीशन को चेंज नहीं किया। फिर हम इसमें C2 अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम C2 अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, एक्चुअल में ये H2 यहाँ पहुँच जाएगा और H1 यहाँ आ जाएगा, ये Cl2 यहाँ पहुँचेगा और ये Cl1 यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया S2। अब अगर हम आई को देखें, आई में हम क्या करते हैं, आई में भी तो हम यही करते हैं, आई में भी क्या होगा, ये हमने यहां से लाइन खींचनी शुरू करी, मिडिल तक पहुंचे, सीएल से पहुंचे और फिर हम आगे पहुंचे तो आगे भी हमें सीएल ही मिला। यहां एच से लाइन खींचनी शुरू करी, मिडिल में पहुंचे और मिडिल से फिर आगे पहुंच गए तो हमें एच ही मिला। तो यहां पर भी देख सकते हैं, यहां एच है, यहां से लाइन खींचनी शुरू करेंगे, सेंटर में पहुंचेंगे, आगे भी आपको ग्रीन बॉल मिली, रेड से शुरू किया, यहां सेंटर में पहुंचे, आगे भी आपको रेड बॉल मिली। तो इसका मतलब इसमें आई प्रेजेंट है और आई में होगा क्या, Cl1 यहां पहुंचेगा, Cl2 यहां पहुंचेगा, H2 यहां पहुंचेगा और H1, तो यहां पर भी तो यही हो रहा है। तो इसलिए S2 जो होता है वो आई के इक्वल होता है। तो इसीलिए हम जब भी कभी मॉलिक्यूल में S2 और आई दोनों एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हो तो हम जब ऑपरेशंस लिखेंगे तो किसी एक के लिए लिखेंगे, या तो आप S2 के लिए लिखिए या आप I के लिए लिखिए, ठीक है। तो S2 के लिए, अच्छा अब नंबर ऑफ ऑपरेशन की बात अगर आती है तो हम S2, मैंने आपको एक बार पहले भी बताए थे जब हम एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ SN समझ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बात की थी, वहां पर मैंने अभी आपको ये नहीं बताया था कि हम जब किसी ग्रुप में इसके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट करेंगे तो वो हम कैसे काउंट करते हैं। S2 के लिए हमें कैसे मालूम पड़ा कि 1 ऑपरेशन है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा C3H। अब C3H है तो यहां पर E होगी, इसमें C3 प्रेजेंट होगा, सिग्मा H और S3, यहां पर I प्रेजेंट नहीं होगी, क्यों, I इज प्रेजेंट ओनली वेन N इज इक्वल टू E1, यहां पर N का नंबर है ऑड तो हमने यहां पर I नहीं लिखा है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेशन देखेंगे, E के लिए 1 होगा, C3 के लिए फिर से N-1 हो जाएगा, तो ये 2 ऑपरेशन हो गए, सिग्मा H 1 होगा, S3 के लिए हमने लिख दिए 2 ऑपरेशन। अब हमने क्यों लिखे हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर क्या निकल के आएगा। तो इन सबको अगर हमने प्लस किया तो ऑर्डर निकल के आया हमारा 6। अच्छा एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बोरिक एसिड, H3BO3 करके भी लिख सकते हैं वो, BOH होल थ्राइस भी दे सकते हैं या खाली बोरिक एसिड भी दे सकते हैं। और स्ट्रक्चर आपके सामने है, यहां पर स्ट्रक्चर में यहां पर अब हम देखेंगे कि कैसे यहां पर C3 प्रेजेंट है और सिग्मा H प्रेजेंट है। देखिए C3 तो प्रेजेंट है, दिख ही रही है यहां पर, वो C3 कुछ इस तरीके से जा रही है, यानी कि वही पेपर के प्लेन से होती भी नीचे की साइड जा रही है। तो जब हम पहली बार इसको रोटेट करेंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला O और ये H भी यहाँ पहुँचेगा और ये O और ये H भी। देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है इसका स्ट्रक्चर, ये यहाँ प्रेजेंट है, ये यहाँ पर है,
ठीक है, तो इसमें जो हम अभी मैं बात कर रही थी कि C3 कौन सी है, वो ये है। तो देखिए मैं जब इसको घुमा रही हूँ पहली बार, जब मैं रोटेट करूँगी तो ये यहाँ पहुँचेगा। बस सिर्फ ऑक्सीजन पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ इस तरीके से बन गया। तो सेम हमें सेम स्ट्रक्चर मिला, यानी इक्वरेंट स्ट्रक्चर मिला है। फिर हम ऐसे ही सेकेंड टाइम घुमा सकते हैं इसको, फिर हम इसको थर्ड टाइम भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो एकदम जैसे BF3 का मॉलिक्यूल है, या वही देख रहे हैं ना आप, ट्रायंगल बन के तो आ ही रहा है यहाँ पर। इसके इसमें अगर आप ध्यान दें तो इस ऑक्सीजन के केस में, क्योंकि जैसे ही हम घुमा रहे हैं हाइड्रोजन भी साथ साथ घूम रहे हैं और बिल्कुल उसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। जैसे अगर ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है, तो जब हम दूसरी बार मतलब पहली बार जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये यहाँ पर नीचे की साइड और वो ऊपर की साइड हमें सेम ही दिख रहा है। तो यहाँ पर C3 प्रेजेंट हो गई, सिग्मा एच प्रेजेंट हो गया। सिग्मा एच क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि प्लानर मॉलिक्यूल है और वो कुछ इस, और सिग्मा एच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी C3 थी ये, और इसका परपेंडिकुलर प्लेन हो गया ये, तो सारे एटम्स को कट करता हुआ चला जाएगा। और S3 कैसे प्रेजेंट है? S3 कैसे? पहली बार हमने C3 घुमाया इसको, तो जब हमने पहली बार इसको घुमाया C3, मतलब सपोज हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल ये था, यानी ये सीधा वाई बन के आया था ब्लू के कंसर्न में अगर हम देखें। ठीक है, तो अब जब हमने पहली बार इसको C3 घुमाया, यानी कि 120 डिग्री पर घुमाया, तो हम इस तरह से घुमा सकते हैं। और इस C3 का परपेंडिकुलर प्लेन हमें लेना है, क्योंकि S3 के लिए हम क्या करेंगे? C3 सिग्मा करेंगे। C3 का परपेंडिकुलर प्लेन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, तो हमें ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल तो नहीं कहेंगे, इक्वरेंट स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमें मिल जाता है इसका इक्वरेंट स्ट्रक्चर, इसलिए यहाँ पर S3 जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब S3 में दो ऑपरेशन और S2 में हम वन ऑपरेशन कैसे लिख रहे हैं? तो मैं अब नंबर ऑफ ऑपरेशन अगर आपको यहाँ लिखने हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर एन का नंबर ऑड होता है तो SN में होते हैं हमेशा N-1 ऑपरेशंस, और अगर N का नंबर इवन होता है तो SN में होते हैं हमेशा N-2 ऑपरेशंस। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि SN के जब भी हमें ग्रुप थ्योरी में ऑपरेशंस निकालने हों तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसे, कि N के लिए लिखेंगे, N अगर ऑड है तो हम लिखेंगे N-1 ऑपरेशन, और अगर n इज इक्वल टू इवन है तो हम लिखेंगे N-2 ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम वो क्यों लिख रहे हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो मैंने आपको पहले एक बार वीडियो में समझाए थे, हम S3 में देखते हैं सबसे पहले। देखिए S3 में हमारा आंसर आ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस का 2 का। अब वो क्यों आ रहा है देखिए, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई समझाया था। S3 के लिए, यानी कि जब भी एन का नंबर ऑड होता है तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2N बनाते हैं, और जब एन का नंबर इवन होता है तो हम हमेशा एन ऑपरेशंस बनाते हैं। ये सब मैंने आपको एसोसिएटेड ऑपरेशन जब समझाए थे तब मैंने बताया था। अब हम देखेंगे S3 के लिए। देखिए S3 में हमें वो ऑपरेशंस, ये देखने में तो लग रहे हैं हमारे पास 6 ऑपरेशंस, लेकिन एक्चुअल में 6 ऑपरेशन नहीं है, ये सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस हैं। हमें सिर्फ वो ऑपरेशंस काउंट करने हैं जहां पर SN का आंसर सिग्मा और C का प्रोडक्ट आ रहा हो। तो देखिए पहला जब हम S3-1 अप्लाई करेंगे तो सिग्मा-1 C3-1, तो ये हमारा प्योर SN ऑपरेशन हो गया, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, जब हम S3-2 जब हम सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे तो हम, मैंने आपको बताया था, ये सिग्मा-2 C3-2 लिखेंगे। ठीक है, और सिग्मा-2 क्योंकि सिग्मा की पावर इवन है तो हमारा सिग्मा-2 E के बराबर हो जाएगा, और C3-2 तो हमारा एज इट इज रहेगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम आइडेंटिटी को जिस भी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा वही एलिमेंट निकल के आता है। तो ये आ गया हमारा C3-2, और क्योंकि हम यहाँ पर C3 तो ऑलरेडी लगा चुके, C3 के जो दो ऑपरेशंस थे वो एक्चुअल में क्या थे हमारे पास, वो था हमारे पास C3-1 और C3-2। तो C3-2 तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसलिए हम ये ऑपरेशन को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, फिर S3-3 हमारा आ जाता है सिग्मा के बराबर। अब यहाँ पर सिग्मा भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसलिए हम सिग्मा को भी काउंट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है S3-4 में सिग्मा-4 और C3-4। तो फिर जब हम इसको पूरा, ये मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि हमारा आंसर कैसे C3-1 आया, तो सिग्मा-4 फिर से पावर जो हो गई इवन हो गई, तो ई आंसर हो गया इसका। ठीक है, और C3-4 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तरीके से और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, C3-3 और C3-1, क्योंकि पावर जो है आपस में जुड़ जाती हैं, अगर बेस सेम हो तो इसका आंसर भी तो C3-4 ही आएगा, और C3-3 यानी CNN वो भी तो E के बराबर होता है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट तो E आएगा, और E को जब हम इससे
मल्टीप्लाई करेंगे तो C3 1 आएगा, और C3 1 भी हम ऑलरेडी इस C3 ऑपरेशन में हम क्योंकि काउंट कर चुके हैं, तो हम इसको दोबारा से काउंट नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा काउंट नहीं होगा। फिर हम आते हैं C3 5 पे। C3 5 को जब हम इस तरह से आगे पहुंचे तो हमारा एकदम प्योर SN ऑपरेशन मिला, क्योंकि SN में हमें आंसर चाहिए सिग्मा और सी में, तो सिग्मा और CN हमें यहाँ पर मिल रही है। और S3 6 हमारा क्योंकि ई के बराबर है, और ई भी हम ऑलरेडी काउंट करते ही हैं सभी में, तो हम तो आपने देखा राइट कितने पर आया, एक तो ये ऑपरेशन और एक हमारा आया ये ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर यहां पर सिर्फ दो ही ऑपरेशन पॉसिबल है, तो इसलिए यहां पर हमने खाली दो ही ऑपरेशन लिखे। तो इसका तरीका सबसे अच्छा यही है याद करने का कि जब भी n का नंबर ऑड होगा तो आप हमेशा n-1 ऑपरेशन करेंगे। तो S3 3 नंबर क्योंकि ऑड है, तो 3-1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे 2 ऑपरेशन। और n इज इक्वल टू इवन, n जैसे हमारा S2 था, S2 में हमारा इवन था, और इवन नंबर में क्या करते हैं n/2, तो हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, इसको डिवाइडेड बाय 2 करा तो 2 से 2 हमारा कैंसिल होके हमारा सिर्फ 1 आंसर आएगा, तो इसलिए हम नंबर 1। तो इस तरह से हम देखते हैं। और अगर हम यहाँ देखें कि CNH का पॉइंट ग्रुप क्या है, तो इसका पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर क्या है, तो वो होता है 2N। यहाँ पर हम देख भी चुके हैं, देखिए यहाँ पर 2 रखा हमने नंबर, तो अगर हम N की जगह 2 रख दें तो 2 2 जा 4, तो ऑर्डर निकल के आ गया 4। यहाँ पर C3 n का नंबर था 3, तो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6। तो इस तरह से हम कुछ ये पॉइंट ग्रुप्स देख सकते हैं। तो ये हमारे जो पॉइंट ग्रुप्स थे CN, जिसमें सिर्फ CN एक्सिस प्रेजेंट थी। अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हमारे और भी पॉइंट ग्रुप्स बचते हैं, तो काफ़ी सारे पॉइंट ग्रुप्स हैं, तो वो सारे एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे डायहेड्रल ग्रुप के और कुछ स्पेशल सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप्स को डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।